देवी दुर्गा को प्रिय हैं ये फूल, जानिए इस नवरात्रि किन फूलों से करें देवी को प्रसन्न। हमारे शास्त्रों में देवी देवता को प्रिय लगने वाली वस्तु के बारे में बताया गया है। इसके साथ ही इन वस्तुओं में यह भी बताया गया है कौन सी वस्तु किसको प्रिय है तो कौन सी वस्तु की अप्रिय है। जैसे कहा जाता है कि भगवान शंकर को पूजा में जो फूल और फल चढ़ाए जाते हैं वे देवी पार्वती को भी प्रिय हैं। इसके साथ ही कुछ ऐसे खास फूल हैं जो केवल देवी पार्वती को प्रिय हैं। इन फूलों में लाल फूल, श्वेत कमल, पलाश, तगर, अशोक, चंपा, मौलसिरी, मदार, कुंद, लोध, कनेर, अक, शीशम और अपराजित, शंख पुष्पी आदि के फूलों प्रमुख रूप से आते हैं। इन फूलों को देवी की पूजा में देवी पर चढ़ाया जाता है। इसके साथ ही कुछ ऐसे फूल हैं जो देवी को प्रिय नहीं हैं। इन फूलों में आक और मदार दो ऐसे फूल हैं जो देवी पूजा में निषेध माने जाते हैं। अत इन दोनों को देवी पूजा में प्रतिषिद्ध माना गया है। लेकिन अगर कोई फूल पूजा के लिए नहीं मिल रहे हैं तो उस परिस्थिति में इन फूलों का प्रयोग किया जा सकता है। इसके साथ ही देवी पूजा में दुर्वा, तिलक, मालती, तुलसी, भंगरया और तमाल के फूले को भी निषिद्ध माना गया है। इन फूलों से केवल उस स्थिति में देवी की पूजा की जाती है जब कोई अन्य फूल नहीं मिल रहे हो। इसके साथ ही देवी पूजा में शमी, अशोक, कर्णिकार या कनियार, गुमा, दोपहरिया, अगस्त्य, मंदन, सिंधुवार, शलकी, माधवी, इसके साथ ही कोश की मंजरिया, बिल्वपत्र, केवड़ा, कदम, भटकटाया, कमल का फूल देवी को बेहद प्रिय माना गया है। इन फूलों से देवी की पूजा करने से देवी जल्द ही प्रसन्न होती है।